नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम आपके लिए लाते हैं डरावनी और रहस्यमय कहानियां। आज की कहानी है एक भूतिया बस की, जो उत्तराखंड के घने जंगलों से होकर गुजरती है। क्या आपने कभी सुना है कि एक बस में सफर करने वाले लोग कभी लौटकर नहीं आए? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी ही सच्ची घटना जिसने सुनने वालों की रूह कंपा दी। तो चलिए इस भयानक सफर पर चलते हैं और जानते हैं इस भूतिया बस की दास्तान। रात के अंधेरे में जब बारिश की बूंदें धरती पर गिरती हैं, तो जंगल के बीच से गुजरने वाला वह सुनसान रास्ता और भी भयावह हो जाता है। यह कहानी एक ऐसे भूतिया बस की है जिसे उस जंगल के रास्ते से गुजरते हुए कई लोगों ने देखा, लेकिन जो उस पर सवार हुए वे कभी वापस नहीं लौटे। यह कहानी वास्तविक है और आज भी इस जंगल के पास के गांवों में डर और आतंक के रूप में जीवित है। यह कहानी उत्तराखंड के घने जंगलों में बसे एक छोटे से गांव धनोली की है। गांव के लोग एक दूसरे से काफी मिलनसार और सहायक थे, लेकिन इस गांव के पास के जंगल के बारे में सभी को एक गहरी आशंका थी। इस जंगल में एक पुरानी सड़क थी जिसे लोग भूतिया सड़क कहते थे। यह सड़क बहुत ही कम इस्तेमाल की जाती थी, क्योंकि यहां से गुजरने वाले लोगों के साथ कई डरावनी घटनाएं हो चुकी थी। लेकिन जो घटना 2005 की एक रात को हुई, उसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। राहुल एक युवा युवक था जो अपनी नौकरी के सिलसिले में देहरादून से अपने गांव धनोली लौट रहा था। उसे अपनी माँ की तबीयत के बारे में खबर मिली थी, इसलिए वह जल्द से जल्द घर पहुंचने के लिए बेचैन था। देहरादून से धनोली तक के रास्ते में कोई सीधा साधन नहीं था, इसलिए उसे पहले ऋषिकेश पहुंचना पड़ा। वहां से वह एक बस पकड़ सकता था जो रात में चलती थी और सीधे धनोली के रास्ते से होती हुई जाती थी। रात के 10 बज रहे थे और बारिश शुरू हो चुकी थी। राहुल ने देखा कि बस अड्डे पर केवल एक पुरानी और खटारा बस खड़ी थी। वह बस काफी समय से वहां खड़ी थी, जैसे उसकी मरम्मत का इंतजार कर रही हो। बस के अंदर कुछ यात्री बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था जो राहुल को महसूस हुआ। ड्राइवर और कंडक्टर भी अजीबोगरीब कपड़ों में थे, जिनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। राहुल ने उन सब पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बस में बैठ गया। बारिश की बूंदें खिड़कियों पर तेजी से गिर रही थीं और बस का इंजन धड़धड़ा रहा था। बस धीरे धीरे चलने लगी और रास्ता धुंधला और अंधेरा होता जा रहा था। जैसे जैसे बस आगे बढ़ती गई, राहुल ने देखा कि बस के अंदर का माहौल कुछ ज्यादा ही अजीब हो रहा था। उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो बस एक अनजान रास्ते पर जा रही थी जो घने जंगल के बीच से गुजरता था। राहुल को यह समझ में नहीं आ रहा था कि बस इस रास्ते पर क्यों जा रही है, जबकि उसे मुख्य सड़क से जाना चाहिए था। बस में अचानक से ठंडक बढ़ने लगी। राहुल ने देखा कि बस के खिड़की के शीशों पर बर्फ जमने लगी थी, जो सामान्य बारिश में होना असंभव था। उसके साथ बैठे यात्री भी धीरे धीरे एक एक करके गायब हो रहे थे। वह डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसने देखा कि अब बस में केवल वह और एक बूढ़ा आदमी बचा था। वह बूढ़ा आदमी एक कोने में बैठा था और उसकी आंखें लाल हो रही थी। राहुल ने कंडक्टर से पूछने की कोशिश की कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन कंडक्टर ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और जोर से हंसने लगा। तभी एक जोरदार झटका लगा और बस अचानक रुक गई। ड्राइवर ने बस को बंद कर दिया और बाहर झांकने लगा, लेकिन वहां कुछ नहीं था सिवाय गहरी धुंध के। राहुल ने देखा कि बस के बाहर कुछ परछाइयां तेजी से चल रही थीं, जो इंसानों की नहीं लग रही थी। राहुल ने अपनी घड़ी पर नजर डाली तो देखा कि रात के 12 बज चुके थे। अब बस के अंदर का माहौल और भी ज्यादा डरावना हो गया था। बस के चारों ओर घना जंगल था और हवा में एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। वह बूढ़ा आदमी जो पहले चुपचाप बैठा था, अब जोर जोर से बड़बड़ाने लगा। उसने कहा, यह जगह अभिशप्त है, यहां जो भी आता है वह वापस नहीं जा पाता।
राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने समझने की कोशिश की कि वह कहां है और क्या कर रहा है। उसने अपने मोबाइल की ओर देखा, लेकिन वहां कोई सिग्नल नहीं था। उसने खिड़की से बाहर देखा तो बस के चारों ओर कोई रोशनी नहीं थी, केवल अंधेरा और धुंध थी जो सब कुछ ढक रही थी। तभी बस के अंदर एक और घटना घटी। वह बूढ़ा आदमी अचानक से गायब हो गया। राहुल ने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने महसूस किया कि बस के अंदर और भी कोई है। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि बस की पिछली सीट पर एक औरत बैठी थी जो सफेद साड़ी पहने हुए थी। उसकी आंखें बंद थीं और वह धीरे धीरे सिर हिला रही थी। राहुल ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन भगवान का नाम जपने लगा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, वह औरत उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर खून के धब्बे थे। उसने राहुल की ओर हाथ बढ़ाया और जोर से चिल्लाने लगी। राहुल के कानों में एक तीखी आवाज गूंजने लगी और वह अपने कान बंद कर लेता है। बस का माहौल अचानक से बदल जाता है और राहुल देखता है कि वह बस के बाहर खड़ा है, लेकिन वह बस अभी भी उसके सामने है। बस के अंदर कोई सवारी नहीं है और ड्राइवर की सीट भी खाली है, लेकिन बस का इंजन चालू है और वह खुद ब खुद चलने लगती है। राहुल ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जाम हो गए थे। वह बस के आगे आगे भागने लगता है, लेकिन बस उसकी ओर तेजी से बढ़ती जाती है। तभी एक जोरदार धमाके की आवाज होती है और राहुल को महसूस होता है कि वह हवा में उड़ रहा है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वह अचेत हो जाता है। जब राहुल की आंखें खुलती हैं तो वह एक पुराने मंदिर के सामने पड़ा हुआ था। वहां एक साधु बैठा हुआ था जो उसे देख रहा था। उसने राहुल को उठाया और पूछा, तुम्हें क्या हुआ था बेटा, तुम यहां कैसे आए? राहुल ने उसे पूरी कहानी सुनाई, लेकिन साधु ने केवल सिर हिलाया और कहा, तुम बहुत बड़े संकट से बच निकले हो। यह जंगल और यह रास्ता अभिशप्त है। जो लोग इस रास्ते पर चलते हैं वे कभी वापस नहीं आते। राहुल को समझ में आ गया कि वह एक भूतिया बस का शिकार हो गया था। वह साधु उसे गांव तक ले गया जहां वह सुरक्षित पहुंच गया। गांव के लोग जब उसकी कहानी सुनते हैं तो उन्हें भी यकीन नहीं होता, लेकिन राहुल जानता था कि उसने जो अनुभव किया वह एक सच्चाई थी और यह सच्चाई उसे जिंदगी भर डराती रही। राहुल अब उस घटना को कभी नहीं भूल पाया। वह कभी भी उस रास्ते से नहीं गुजरा और जब भी बारिश की रात होती है उसे उस भूतिया बस की याद आ जाती है। वह जानता था कि वह बस अब भी उस जंगल के रास्ते पर चलती है और जो लोग उसमें सवार होते हैं वे कभी लौटकर नहीं आते। उस रात की भयानक यादें आज भी उसकी आंखों के सामने जीवित हैं और वह खुद को भाग्यशाली मानता है कि वह उस भूतिया बस से बचकर निकल आया। लेकिन वह जानता है कि वह अकेला नहीं था जिसने उस बस का सामना किया था। कई और लोग भी थे जिन्होंने उस रात उसी बस में सफर किया था, लेकिन वे कभी वापस नहीं लौटे। इस भूतिया बस की कहानी आज भी उत्तराखंड के गांवों में प्रचलित है और जो भी इसे सुनता है वह कभी उस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि यह बस मौत का रास्ता है और जो लोग इसमें सवार होते हैं वे कभी वापस नहीं लौटते। यह कहानी एक भयानक अनुभव का वर्णन करती है जो एक असली घटना पर आधारित है। यह कहानी भय, रहस्य और अनजाने का एक मेल है जो पढ़ने वालों के दिलों में डर पैदा कर सकता है। तो दोस्तों, यह थी उस भूतिया बस की कहानी जिसने कई लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस तरह की और भी डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। और हाँ, अगली बार जब आप किसी सुनसान रास्ते पर सफर करें तो सावधान रहें, क्योंकि कौन जाने
कब आपको भी उस भूतिया बस का सामना करना पड़ जाए।